अलवर जिले की विधानसभाओं में कांग्रेस प्रत्याशियों का विरोध शुरू हो गया है। मतदाता 5 साल का हिसाब मांगने लगे हैं, साथ ही 5 साल तक क्षेत्र से गायब रहने का आरोप भी लगा रहे हैं। अलवर ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मंत्री टीकाराम जूली अपने समर्थकों के साथ अलवर ग्रामीण विधानसभा के धर्मपुरा गांव पहुंचे। वहां मंत्री जूली के पहुंचते ही सचिन पायलट के नारे लगने लगे और मंत्री जूली मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। इसी बीच मंत्री जूली का एक समर्थक बीच में आया और कहने लगा कि पहले ये बताओ कि सचिन पायलट की यात्रा में गांव से कौन शामिल हुआ। इस बहस से यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि गांव में मंत्री जूली से ग्रामीण खिन्न है, जबकि सचिन पायलट के समर्थक हैं। दूसरी तरफ अलवर जिले के किशनगढ़ बास विधानसभा से प्रत्याशी दीपचंद खैरिया भी अपने समर्थकों के साथ विधानसभा के गांव में पहुंचे। वहां पहुंचते ही एक ग्रामीण नौजवान माइक लेकर बोलने लगा कि विधायक चुनाव जीतकर गायब हो गए, 5 साल में आज गांव में पहुंचकर वोट मांग रहे हैं, जबकि पिछले चुनाव में दीपचंद खैरिया को गांव से चंदा एकत्रित कर 27,500 रुपए भी दिए थे। गांव में भीषण पेयजल संकट है, महिलाएं 2 किलोमीटर दूर से पेयजल लाने को मजबूर है। गुस्साए ग्रामीण को देखकर एक प्रधान ग्रामीणों को समझाने लगा। सचिन पायलट जिंदाबाद, टीकाराम जूली, टीकाराम जूली। सचिन पायलट के पैदल यात्रा में कितने जन गए? हम गए थे। कौन कौन गए? हम गए थे खुद। प्रेम पटेल जी गए 5 दिन, हम तो हमारे प्रधान जी गए था। सचिन पायलट जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? सचिन पायलट जैसा हो। ये देखिए जूली का स्वागत होता हुआ धर्मपुरा गांव में, बहुत अच्छा। ये विधायक साहब 5 साल में आज इस गांव में आया है। हमने इस बस्ती से, इस गरीब बस्ती से 27,500 रुपए उगा के दिए थे पिछले इलेक्शन में विधायक को दिया। पानी के लिए इतनी परेशानी है हमारे यहाँ। एक मिनट रुको, रुको प्रधान साहब, हमारी समाज से हम आपके इज्जत करते हैं। सुबह सुबह हमारी माता बहनें 2 किलोमीटर पानी के लिए जाती है।